के चक्कर में पड़िएगा तो आपको मौत तय है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सब स्वागत है आपको हमारा तालीमपुर स्नैक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आए हुए हैं अपने घर से कुछ दूरी पर, भंवरुआ गांव है दोस्तों, जहां पर कोई सांप निकला हुआ है। तो आप देख सकते हैं जहां पर ये लोग सोते हैं उसी जगह पे सांप निकला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसका छानबीन करते हैं। यह सांप निकला हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये लोग परेशान थे और बहुत ही ज़्यादा कॉल किए हैं, तो फाइनली हम उस जगह पे आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बक्सा है और उसी के बगल में एक स्पेक्टिकल कोबरा यानी कि गेहूमन सांप छुपा हुआ है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मिस्टेक से कुछ भी हो सकता था। तो खैर, जाकू राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, ये बहुत ही पुरानी कहावत है। और दोस्तों ये कहावत आज जीता जागता सबूत के तौर पर देख सकते हैं आप, क्योंकि दोस्तों ये सांप जो है रात को ही छिपा हुआ था। और आप देख सकते हैं रात को बिना किसी को क्षति पहुंचाए ये सुख शांति से छुपा हुआ था अपना। तो चलिए हम फाइनली इस सांप को रेस्क्यू कर लिए हैं और इसे बाहर की तरफ ले चलते हैं और फिर इसके बारे में कुछ जानकारियां देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम इस सांप के बारे में बता दें कि इस सांप को इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा स्नेक निकला है। तो काफ़ी समय से लोग परेशान थे, जहाँ पर सोने का जगह था वहीं पर ये आकर के छुपा हुआ था, ठीक है। तो फाइनली रेस्क्यू हो गया है और इसे दूर ले जाकर के जंगल में छोड़ देंगे। तो इसको हिंदी में दोस्तों नाग बोला जाता है और बिहार में इसको गेहूमन बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम नाजा नाजा है, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है जो कि काफ़ी खतरनाक जहर होता है और किसी को भी काट ले तो मात्र 1 से 2 घंटे का समय मिलता है दोस्तों। ये तो कोई खास बड़ा साइज का सांप नहीं है, लेकिन काम काफ़ी बड़ा कर सकता है। इसलिए जब भी इस टाइप के सांप आपको दिखाई दे तो आप उसे मारे नहीं, क्योंकि पर्यावरण का दोस्तों मित्र है। हमारा आपका भले ही मित्र ना हो, लेकिन पर्यावरण का मित्र है। और वैसे भी दोस्तों सांप बिना गलती के किसी को काटता नहीं है। जब भी इसके साथ कोई छेड़छाड़, कोई बदतमीजी होती है तो दोस्तों यह बाइट करने का प्रयास करता है। तो चलिए आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और इसका फन को भी आप देख सकते हैं। चलिए इसको डब्बा में डालते हैं। नहीं डबल है ये, डबल डबल बोले तैयारी हो गया। दोस्तों इसे काटने के बाद थोड़ा भी झाड़ फूक जाकर नहीं पड़ना है, जिला हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार कराएं, क्योंकि झाड़ फूक के चक्कर में पड़िएगा तो आपका मौत तय है। इसलिए समय रहते और इलाज के लिए जाए, ठीक है। इसे पकड़ने के लिए कोई तंत्र मंत्र नहीं होता है, ना ही कोई जड़ी बूटी होता है। बाबा
जंगल है चारा बोल तो साफ बोलो जंगल में कोई पेचकस तो दीजिए तब पेचकस से हुआ होगा तो बोगल कर दे हवा में यार लगता है यार लोग मौत हो तो चलिए दोस्तों फाइनली सांप का रेस्क्यू हो गया है और इसे दूर ले जाकर के जंगल में छोड़ देंगे। तो जिन लोगों को वीडियो देखना होगा यूट्यूब पर सर्च मारे तालिमपुर स्नैक्स पर, ठीक है, चैनल आ जाएगा तो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।